दोस्तों, मेरा नाम आदिलक्ष्मी है। आज मैं और मेरे दोस्त मिलकर आपके सामने एक कहानी नाटक रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। इस कहानी का नाम है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। अपने मौसरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। म्याऊ, म्याऊ। म्याऊ, म्याऊ। लेकिन वहां वो खुश नहीं थी। अभी बिछाती हो भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। लो कुछ 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 भी नहीं छोड़ा मेरी लिए। रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उनके हाल पूछने बहुत से जानवर आए। नमस्ते महाराज, नमस्ते, आप कैसे हो? बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी भरना कमाना का सब करो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो है नहीं? तो जाओ और मेरे बस्ती से फुलकड़ी लड्डी ले आओ, भागे। सो बिल्ली फागी झाड़ियों और पत्थरों को कलम गदी हुई गांव में पहुंची। पहाड़ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे बोल कर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। मियाओ, मियाओ। बिल्ली सोचने लगी। अचानक शोर की गरज से जंगल कांप उठा। शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे छपड़ी लगड़ी ले जाने दी। मैं कल से खुल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लड्डी उठाकर झाड़ियों और पत्रों को फलकती हुई भागी। वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा।
जिसकी आंगे गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जल्दी लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। धन्यवाद।